Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is Innovations in Poetry by V. Sackville West from the Essays and Literary Criticism section of the book Modern English Prose by Guy Boas. But before that, please subscribe our channel for more informative videos. Now we will start this chapter by the introduction of the writer. V. Sackville West was a novelist and a poet. She holds a great reputation due to her poems and novels. This Innovations in Poetry has been taken from her book Some Tendencies of Modern Poetry, जिसके अंदर her views about modern poetry describe किए गए हैं as a judicious critic, और criticism उन्होंने poetry पे किया है in a sober manner. There is also a comparison of modern and old poetry in this. So we will read today about this in this passage. So now let's start the summary of the chapter. It starts from these lines. For my own part, I am one of those who believe that no innovation is quite so startling as it appears to its own contemporary generation. That all poetry at one time went under the probably rather scornful designation of modern, and that in every age there were those who lamented the decadence of the art. So in this passage, writer jo hai wo इस तरह से स्टार्ट करती हैं, अपना ओपिनियन बयान करती हैं पोइट्री के बारे में कि एज द टाइटल सजेस्ट कि इनोवेशंस इन पोइट्री क्या होता है. इनोवेशंस होता है न्यू आइडियाज़ लाना, नई चीज़ें लाना जो कि उसको किसी चीज़ को नया करें और उसके अंदर चेंजेस लाएं. सो राइटर कहती हैं कि हर एक जनरेशन में जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई तो उसको मॉडर्न कंसिडर किया गया, यानी कि जो टर्म मॉडर्न है ये उसको कंसिडर किया जाता है जब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है. फिर राइटर कहते हैं कि हर एक एज के अंदर, हर पोइट्री की जो एरा है, एज है, उसके अंदर सबने जो है एक स्पेसिफिक कंसेप्ट ऑफ पोइट्री रखा है. मतलब कि जैसे कि जो रोमांटिक एज था उनका पोइट्री का कंसेप्ट थोड़ा अलग सा था, कि सुपर नेचुरल चीज़ें भी थी, नेचर थी उसके अंदर, डिस्कशन ऑफ ब्यूटी थी. फिर उससे पहले आप रेनेसां की तरफ चले जाएं, उस एरा में जो पोइट्री होती थी वो ज़्यादातर क्लासिकल ग्रीस और लैटिन मॉडल्स पर होती थी. फिर उससे पहले आप चले जाएँ 17th century में जो पोइट्री होती थी डन की, न्यू क्लासिकल पोइट्स, उसमें ज़्यादातर जो है वो तो अलग किस्म की पोइट्री होती थी, थोड़ी सी मतलब स्ट्रिक्ट नेचर्स एंड पैटर्न्स होते थे. तो हर एक एज के लिहाज से डिफरेंट किस्म की पोइट्रीज आती हैं और आती रही हैं. तो राइटर कहते हैं कि इसलिए जो भी चीज़ उसमें नई इंट्रोड्यूस होती थी उसको इनोवेशन कहा जाता था, यानी कि उस कंसेप्ट ऑफ पोइट्री के मुताबिक जो चीज़ नहीं होती थी उसको इनोवेशन माना जाता था उस रिस्पेक्टिव एज के अंदर. इसीलिए यही वजह है कि सिडनी जैसे पोइट्स जो हैं इस बात का अफसोस करते हुए नज़र आते हैं दैट पोइट्री हैज़ बिकम द लाफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन. यानी कि सिडनी के टाइम पे जो अपनी पोइट्री आई उसको वो लगता था कि पोइट्री हैज़ बिकम लाफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि इसको बहुत ही लाइटली तरीके से डील किया जा रहा है, इसके अंदर से सीरियसनेस हट चुकी है. और जो है जो भी सिडनी के जो कंसेप्ट ऑफ पोइट्री था उससे हटकर जब कुछ इंट्रोड्यूस हुआ उसके एज में तो वो उसको अच्छा नहीं लगा और उसको जो है ये इनोवेशन लगी या फिर अग्रीएबल या एक्सेप्टेबल नहीं लगा. इसी तरह से वर्ड्सवर्थ के एरा में जब उसकी किसी थोड़ी उससे अलग पोइट्री आई तो उसने यही कहा कि देयर इज ट्रिवियलिटी एंड मेननेस ऑफ बोथ थॉट एंड लैंग्वेज इन पोइट्री. यानी कि बहुत ही आम सब्जेक्ट मैटर्स अब चूज़ किए जाने लगे हैं और जो है थॉट भी अच्छी, जो मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर है और कंसेप्ट है पोइट्री का वो भी इतना सीरियस और हाई नहीं रहा और ना ही लैंग्वेज अच्छी यूज़ की जाती है. तो हर एक पोइट के लिहाज से उनकी एज के अंदर जब चेंजेस आए तो उन्हें वो एक्सेप्टेबल नहीं लगी और अच्छी नहीं लगी. लेकिन ऑथर के मुताबिक वो कहती हैं कि जब भी इंट्रोडक्शन होता है फ्रेश आइडियाज़ का और न्यू टेक्निक्स का तो वो इनोवेशंस जो हैं वो उनकी अपने लिहाज से उस एज में लग रही होती हैं. लेकिन अगर अब हम देखें तो हमें वो चीज़ें कोई न्यू नहीं लगेंगी, हमें बल्कि लगेगा कि ये एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री था जो कि आगे बढ़ा है और हर एक एज में एक डिफरेंट चीज़ आई है. लेकिन हमें वो न्यू नहीं लगेगा इस लिहाज से आज के मॉडर्न एज में, और हमें वो बहुत शॉकिंग या स्टार्टलिंग नहीं लगेगा जो कि उस टाइम के पोएट्स को लगा था जब उनको नया नया ये इंट्रोड्यूस हुआ था. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखें कि म्यूज़िक में कितनी चेंजेस आई हैं. अगर आप नॉर्मली इसकी एग्जांपल लें तो पहले किस तरह से लिरिक्स लिखे जाते थे और किस तरह से गाने बनते थे, और तो वो जो है
फिर जब ज़माना चेंज हुआ तो उसकी तरह उसमें म्यूज़िक में चेंज आया, लिरिक्स में चेंज आया, तो लोगों को एकदम से जब शिफ्ट हुआ चेंज में तो वो अजीब भी लगा, एक्सेप्टेबल भी इतना नहीं था, लेकिन अब हम जब देखते हैं तो हमें वो सब नॉर्मल लगता है आजकल के ज़माने के नज़रिए से हम जब देखते हैं। तो राइटर कहते हैं कि इसीलिए हर एक एज में हम देखते हैं कि उस एज के क्रिटिक्स ने जो है वो हमेशा इस बात पे क्रिटिसिज्म किया है और ये कहा है कि पोइट्री जो है वो डिग्रेडेड हो गई है बाय वन और अदर ऑफ देयर कंटेम्प्ररीज। कंटेम्प्ररीज वो होते हैं जो कि आपके उसी एज में आपके साथ कंपेटिटर्स कह लें या आपके साथ उसमें मौजूद होते हैं उसी एज में पोइट्स। जैसे कि अगर आप एक एज के पोइट हैं तो आपके साथ जो उसी एज में डिफरेंट मशहूर पोइट्स मौजूद हैं तो वो आपके कंटेम्प्रेरीज हैं। तो इसी तरह से क्रिटिक्स कहते हैं उन्हें अपने कंटेम्प्रेरीज पे तनकीद की है और कहा है कि उन्होंने पोइट्री को ख़राब कर दिया है और जो थिंग्स अनवर्थी ऑफ पोइट्री हैव बीन एडेड टू इट। और जो है इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब जो जॉन डन थे उन्होंने जब अपनी पोइट्री लिखना शुरू की तो उनके एज के लिहाज से वो बहुत शॉकिंग थी और बहुत ही न्यू थी। और इसी तरह से जो एलियट थे T.S. एलियट वो जो मॉडर्न एरा में थोड़ा करीब आ जाते हैं एंडेड के एराज में पोइट्री उन्होंने जो लिखी मॉडर्न एरा में तो जो है वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड और पोस्ट वॉर एरा में उन्होंने जो पोइट्री लिखी वो उनके एज के लिहाज से काफ़ी शॉकिंग और न्यू थी। और लेकिन हमें डन इज़ डेफिनेटली नॉट एन इनोवेटर, वो एक 17th सेंचुरी पोइट ही हमें लगता है क्योंकि आजकल के नज़रिए के लिहाज से हमें ये सब उनके रिस्पेक्टिव एरास के खसूसी पोइट्स लगते हैं, हमें कुछ इनमें न्यू या इनोवेशन नहीं लगती। तो इसलिए उन्हीं पोइट्स को या उन्हीं लोगों को ये न्यू लगता है जिनके एज में न्यू इंट्रोडक्शन हुआ हो, अब हमें ये न्यू नहीं लगता। राइटर अपने इस आइडिया को किस बात से सपोर्ट करती हैं और किस बात से इसको एक्सप्लेन फर्दर करती हैं, वो एक मेटाफर यूज़ करती हैं पोइट्री के लिए कि पोइट्री इज़ लाइक अ कंटिन्यूस स्ट्रीम, एक कंटिन्यूस नदी, बहती हुई नदी की तरह है कि जो है जिसके अंदर डिफरेंट जो कि डिफरेंट लैंडस्केप से गुजरती हुई है, डिफरेंट जगहों से गुजरती है और रास्ते में और छोटी छोटी नदियों और नालों से वो मिल जाती है और उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम देखें तो पोइट्री रहती वो एक सेम स्ट्रीम ही है वो एक पूरी मेन स्ट्रीम ही जिसके अंदर डिफरेंट छोटी छोटी स्ट्रीम्स और ट्रिब्यूटरीज शामिल हो रही हैं और वो उसका उसको नया बनाती हैं, लेकिन है वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रेडिशन। तो इस तरह से उन्होंने पोइट्री को एक स्ट्रीम से मेटाफर यूज़ किया गया है, कंपेयर किया है और जो डिफरेंट पोइट्री के अंदर इनोवेशंस आई हैं उनको छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज कहा है जो कि उसके अंदर चेंजेस लाई हैं, लेकिन है वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रेडिशन, पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रीम और यही उसके असेंशियल पार्ट भी है। हेंस जो डिफरेंट पोइट्स हैं जैसे कि ब्लेक, वॉल्ट विटमैन एंड अदर ग्रेट पोइट्स जो हैं वो इसी तरह से इस पोइट्री की स्ट्रीम का हिस्सा हैं जिस तरह से पिछले ग्रेट पोइट्स मसलन के शेक्सपियर और टेनिसन वगैरह या कोई भी और ग्रेट पोइट्स थे। तो ये सारे जो कि पोइट्स हैं ये एक ही स्ट्रीम ऑफ ट्रेडिशन को जो है उसका पार्ट है और ये लेकिन हर कोई अपने तरीके से एक नया अंदाज लाया है अपने साथ पोइट्री के अंदर। फिर वो कंट्रास्ट करती हैं डिफरेंट पोइट्रीज के अंदर और वो कहती हैं कि पोइट्री के अंदर जो चेंजेस हैं वो इसी तरह से हैं जैसे कि स्विंग ऑफ द पेंडुलम, जैसे कि पेंडुलम एक होता है जो कि दरमियान से जाता है एक साइड की तरफ फिर वापस आता है दूसरी साइड की तरफ और दोनों एक्सट्रीम्स की तरफ जाता है, तो जाता लेकिन आता वो एक ही दरमियान के अंदर है और वो पाथ एक ही फॉलो कर रहा है बेशक वो दोनों एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहा है। इसी तरह से एक्शन एंड रिएक्शन का कंसेप्ट भी है, तो ये हर एक चीज़ जो भी है पोइट्री के अंदर ये इसी तरीके से है, या तो एक्शन एंड रिएक्शन है, स्विंग ऑफ द पेंडुलम है या स्ट्रीम है ऑफ द सेम ट्रेडिशन, लेकिन पोइट्री यही एक चीज़ है जो कि चलती आ रही है और ये वही सेम ट्रेडिशन है। और जो कंट्रास्ट है डिफरेंट पोइट्स के अंदर इट इज़ लाइक दीज थिंग्स ऑल्सो, इसलिए फील्ड ऑफ पोइट्री जो है वो काफ़ी लार्ज हो चुकी है और अब उसके अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स आ गए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स भी लिखे जाते हैं उन पर भी पोइट्री लिखी जाती है और जो है ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स भी डाल दिए गए हैं जो कि पिछले ज़माने के लोगों को शायद बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगते और दे ऑलमोस्ट शरर एंड एक्सक्लेम विद हॉरर, यानी कि उन्हें वो बहुत ही अजीब लगता है कि ये किस किस्म के सब्जेक्ट मैटर्स या जो कंटेंट है वो पोइट्री में लिखा जा रहा है, पर अब वो फील्ड ऑफ पोइट्री इतनी बड़ी हो गई कि इसके अंदर हर किस्म का
सब्जेक्ट मैटर हम यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और उस पर पोएट्री लिख सकते हैं। लेकिन राइटर कहती हैं कि इस वजह से कि जो फील्ड ऑफ पोएट्री इतनी लार्ज हो गई है, हमें एक फ़ायदा तो हुआ है कि फील्ड लार्ज हो गई है, उसके अंदर हम डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स चूज कर सकते हैं, बट इससे हमें एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। और वो नुकसान ये है कि उस पोएट्री के अंदर से सब्लिमिटी गायब हो चुकी है। सब्लिमिटी क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब बहुत हायर क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं और वो बहुत ऊंचे दर्जे पे होती हैं, ख़ासतौर पे कोई पीस ऑफ लिटरेचर को हम तब सब्लाइम कहते हैं जब वो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ उसके अंदर हों, बहुत ही ग्रेटर क्वालिटीज़ हों जो कि फ़ौरन से इतनी अच्छा प्लेजर आपको दे सकें या फिर आप तक बेहतरीन मैसेज पहुँचा सकें और बहुत ही अरसे तक, सालों तक वो माना जाए मैसेज और जो भी इसके अंदर है बयान किया गया, और उसका असर काफ़ी जनरेशन तक कायम रहे। तो राइटर कहती हैं कि ये चीज़ हमारी पोइट्री के अंदर से गायब हो चुकी है, और इसलिए जो कि पिछली इंग्लिश पोइट्री में मौजूद थी वो यही चीज़ थी जिसने उसको नोबलेस्ट बनाया था, और अब हमारी इस पोइट्री के अंदर ये चीज़ नहीं है और ये हमें बहुत लॉस हुआ है। इसकी वजह क्या है, राइटर बताती हैं कि इट इज द रीज़न इज़ लैक ऑफ कन्विक्शन, बिकॉज वी हैव नो पैशन, इसलिए वी हैव नो कन्विक्शन एंड देयर अपीयर्स नथिंग विच कैन टेक इट्स प्लेस। वो कहते हैं कि कन्विक्शन नहीं है हमारे पोइट्री के अंदर, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर पूरा यकीन करना और उस पर बिलीफ रखना, और हमें किसी के बारे में कोई पैशन नहीं है, हमारे जज्बात किसी चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए हमें ये भी नहीं पता कि हमने लिखना क्या है और उसके अंदर किस तरीके से लिखना है और उसको बयान कैसे करना है, क्योंकि हमारे खुद दिल में कोई चीज़ नहीं है, जो जज्बा नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, तो वो पोइट्री में नज़र भी नहीं आता। इसलिए जो है हमारे टाइम के जो पोइट्स हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बेहतरीन पोइम्स लिखें, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट, द प्रिल्यूड या ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी और इवन एलर्जी ऑन अ कंट्री चर्च यार्ड। इस किस्म की पोइम्स जो कि बहुत मशहूर हैं, वो आजकल के पोइट्स नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये वो पैशन था जो कि पोइट्री ऑफ द पास्ट को हाइट ऑफ सब्लिमिटी तक पहुंचने में मदद करता था। अब क्रिटिक्स आजकल जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा से कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर ढूंढें जिससे हम ये सब्लिमिटी दोबारा हासिल कर सकें, या तो सोच रहे हैं कि अगर साइंस को हम इंट्रोड्यूस कर लें पोइट्री के अंदर, शायद कोई हेल्प हो जाए हमारी। लेकिन जो है कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो चीज़ नहीं रही पोइट्री में जो कि पहले होती थी। रियल कॉज और सोल्यूशन इसका क्या है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं। राइटर कहती हैं कि गलती हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे आजकल के जो पोइट्स हैं वो किस चीज़ पे ध्यान देते हैं ज़्यादातर, ह्यूमर और अ कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। वो क्या है कि वो ह्यूमर को बहुत ज़्यादा पोइट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और यही वो सेंस ऑफ ह्यूमर है जिसकी वजह से सब्लिमिटी जो है वो पोइट्री के अंदर से चली गई हुई है, और यही रीज़न ऑफ फेलियर है हमारी पोइट्री का, जिसकी क्योंकि इसमें पैशन नहीं है, जो कि हमें ये इस काबिल नहीं करता कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें इम्पॉर्टेंट थिंग्स को अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स से। इसीलिए ये पैशन ही है जिसने हमें इस काबिल बना सकता था हमें कि हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पोइट्री में डिस्कस कर सकते बगैर ये सोचे हुए कि लोग इसे कैसे जज करेंगे, या हम जो बयान कर रहे हैं हमें इसका खौफ नहीं होना चाहिए कि लोग इस पर हंसेंगे या इसको बुरा समझेंगे, बल्कि अगर हमें उस चीज़ का पैशन है बयान करने का तो हमें कोई डर खौफ नहीं होगा और हम इसको बेहतरीन तरीके से बयान कर सकेंगे। सो दिस वॉज द इंटायर कंसेप्ट ऑफ इनोवेशंस इन पोइट्री बाय वी सेक्वल वेस्ट। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल।